एसएन न्यूज हैदराबाद। गंडीपेट के पल्लवी इंटरनेशनल स्कूल में इन्वेस्टिचर सेरेमनी के तहत 21 कैटेगरी में हेड बॉयज़ और हेड गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ, जिसमें ये पूरे साल लीडरशिप की जिम्मेदारी निभाएंगे और इसमें उनको पल्लवी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन मिस्टर कोमरैया ने सब हेड बॉयज़ और हेड गर्ल्स को हलफ दिलाया। इस मौके पर स्टूडेंट्स के अलावा पेरेंट्स भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। International School. It is an honor that has bestowed on me to work earnestly in collaboration with such talented school cabinet. Uneasy is the head that wears the crown. With power comes great responsibilities. I promise to work persistently with all the zeal, devotion and determination towards the enlightening and dwelling vision and mission of our eminent school. I reassure you that I am a patient listener and I am grateful for my parents who always supported me and encouraged me to what I am today. Thank you, parents. I principal Mrs. Nidhi Gehra and all the untiring teachers, the kind staff and the student aspirants who felt that I am trustworthy and selected me, wielding my shoulders responsibility of the head girl. At management committee, respected principal ma'am, teachers, management and my dear comrade students, I take pride in introducing myself, Master Mohammed Mustafa Hashmi, the head boy of Pallavi International School. Being head boy, I serve you all as a role model. I will serve, share your ideas. I will lead my fellow perfect. I am your leader. It is my proud privilege to propose the vote of thanks. Witness now the much anticipated oath-taking ceremony performed by the prefects, who take their oath of office with their promise that they will carry out their duties. I request our chairman, sir. Good morning, very good morning. Dear students and Pallavi International School का second दूसरा साल है और हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने आज अपने स्टूडेंट काउंसिल मेंबर सिलेक्ट किए हैं एंड वो बहुत डिजर्व करते हैं ये पोजीशन क्योंकि उनको हम कल के लिए लीडर बना रहे हैं एंड दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर रियली यूजफुल फॉर देम दे गेट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप एंड दे अपने स्कूल के लिए वो आगे बढ़ेंगे काम करेंगे हमारी मदर अर्थ जो है उसको बचाने में हमें सहयोग देंगे और इन्हीं के हाथ में हमारा दुनिया का और हमारे भविष्य है तो हम लोगों को इनको एक अच्छे राह पर चलाना है इसीलिए हमने एक्टिविटी आज की है और हमें बहुत बहुत गर्व है और सबको बहुत बहुत बधाई हो हर पेरेंट्स को हर बच्चे को इस ओकेजन के लिए। कितने कैटेगरीज थे? एक 21 कैटेगरीज थे, 21 कैटेगरीज थी जिसमें हेड बॉय, हेड गर्ल, डिप्टी हेड बॉय, हेड गर्ल, स्पोर्ट्स कैप्टन, देन हाउस कैप्टन जो आप देख सकते हैं पीछे इन सब हाउस कैप्टन इनके वाइस कैप्टन और इवन हमारी दो कैटेगरी थी ग्रीन क्रुसेडर्स की करके जिसमें हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि प्लांट्स लगाना या अपनी अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना कितना ज़रूरी है क्योंकि कल के जो अर्थ है ये इन्हीं के लिए इन्हीं को कुछ ना कुछ अपने देश के लिए अपने संसार के लिए कुछ तो करना हमारे पल्लवी ग्रुप ऑफ स्कूल में 6 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं पल्लवी किड्स की हमारे 10 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं अभी हमने रिसेंटली पल्लवी इंजीनियरिंग कॉलेज नागौर में खोला है तो हर यू नो एरिया से हमारे स्कूल डेवलप हो रहे हैं और ये पल्लवी ब्रांच है 25 साल पुराना है हमारे हैदराबाद में और हम अभी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने वाले हैं पॉइंटली इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ आर पल्लवी ग्रुप ऑफ स्कूल। Thank you.
हिंदी में कोई इंग्लिश कम्फर्टेबल उर्दू से आज पल्लवी इंटरनेशनल स्कूल गंडीपेट कैंपस में ये स्टूडेंट्स का हेड बॉय हेड गर्ल एंड डिफरेंट कैटेगरी इसमें वो लोग को रिस्पांस दे गए एंड डिफरेंट हाउसेस का कैप्टन्स दे गए. इसका मेन उद्देश्य है अभी वो लोगों को कैसा लीडरशिप डेवलप करके फ्यूचर में लाइफ में वो लोगों को ग्रो करने का और ऑलराउंड डेवलपमेंट करने का मेन उद्देश्य है. और वो लोग बड़ा होने के बाद भी हाउ टू लीडरशिप क्वालिटी एर्न करना मेन उद्देश्य है. और अभी बच्चों से स्कूल एजुकेशन में वो लोग अभी लीडरशिप लर्न करने के वो मेन उद्देश्य है. और ऑल आवर स्कूल्स में दिस इज़ अ रेगुलर प्रैक्टिस in our Pallavi schools or DPO schools, it will continue like this. And our main desh hai students ko acha students ka develop karne ka